नमस्कार। तो आज आप हम पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूस गिरावट हो रही, क्वार्टर के नतीजे के बाद स्टॉक ने पुल बैक किया था अच्छा सा, पर फिर से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। इस वीक में पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूस गिरावट नज़र आई है, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते कि आज भी स्टॉक गैप डाउन से ओपन होती है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल जैसी कैंडल फॉर्म हो चुके, उससे सेलिंग प्रेशर दर्शाता है। अगर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इंप्रूव होते हैं तो स्टॉक यहाँ से पुल बैक जनरेट कर सकता है फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए। अगर वॉल्यूम इंप्रूव नहीं होते तो स्टॉक में यहाँ पे फिर से 2120 लेवल को जो है ब्रेक डाउन कर सकता है और नीचे की तरफ गिरावट हो सकती है। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है 120 के साथ तो यहाँ से पुल बैक भी जनरेट हो सकता है स्टॉक के अंदर। न्यूज़ की तरफ भी नज़र डालोगे तो रिसेंटली यहाँ पे कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नज़र नहीं आ रही रिगार्डिंग PNB बैंक स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग इसी की तरफ जाती है, डोजी कैंडल जैसी फॉर्म होती है, तो यहाँ से मोमेंटम फिर से चेंज हो सकती है, मोमेंटम चेंज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं।